हेलो जी, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द गॉस एडिट। सो कैसे हो सारे? होपफुली कि आप सब बढ़िया होंगे हमेशा की तरह स्वाद की। इस वाले वीडियो में आप सबके लिए कुछ इस टाइप के पोस्टर फोटो एडिटिंग लेकर आया हूँ, जो कि आप सब इजीली एंड काफ़ी कम टाइम में कर सकते हो। सो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आपको इस वाइट से बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट के अंदर ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ऐड फोटो में चले आना है। एंड यहाँ से आप सभी को एक बिल्डिंग का क्लिप आर्ट पीएनजी है, तो आपको उस पीएनजी को सिंपल यहाँ से ऐड कर लेना। एंड उसके बाद क्या करना है, इसके साइज को आप सभी इस तरीके से इंक्रीज करना फुल। एंड उसके बाद आप सिंपल इसे यहाँ पे परफेक्ट जो है एडजस्ट कर लेना। ओके, एंड जैसे ये परफेक्ट सेट हो जाएगा वाइट बैकग्राउंड पे, तो आप सिंपल यहाँ पे डन कर देना। ओके गाइस, एंड इसके बाद आप सभी को इस बिल्डिंग को सेट करने के बाद आप सभी को फिर से ऐड फोटो में आना। एंड ऐड फोटो में आने के बाद आपको यहाँ से जिस फोटो को बैकग्राउंड में रखना चाहते हो, आप अपने उस फोटो को यहाँ से ऐड कर लेना। एंड आप अपने फोटो को ऐड करने के बाद उसकी भी साइज को आप यहाँ पे इंक्रीज करना इस तरीके से। एंड यहाँ पे परफेक्ट सेट कर लेना अपने फोटो को। परफेक्ट सेट करने के बाद आपको लेके चले आना एडजस्ट में अपने फोटो को। एंड सिंपल उसके सैचुरेशन को कर देना -100। ओके गाइस, एंड साथ में क्या करना, कॉन्ट्रास्ट को भी आप यहाँ पे इंक्रीज कर देना। सो कॉन्ट्रास्ट अमाउंट को आप रखना +54-55 ऐसा रखना। एंड फिर यहाँ पे डन कर देना आप। ओके, एंड उसके बाद आप यहाँ पे फाइनल डन कर देना। तब अपने फोटो को कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेना। इसके बाद आप सब क्या करना, आप अपने फोटो को लेके चले आना एफएक्स में। ओके, इफेक्ट्स में लेके चले आना। एंड यहाँ पे आप चले आना एफएक्स वाला आपको दिख रहा ऑप्शन, तो एफएक्स में आना। एंड यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा जीआरएनजी, ठीक है, जीआरएनजी है। आपको यहाँ पे एक फिल्टर दिख रहा होगा, तो आपको उस पर चले आना, क्लिक करना, मतलब उस वाले फिल्टर को अप्लाई करना एंड डन कर देना। ओके गाइस, एंड इसके बाद आपको ना टूल्स में आना एंड एडजस्ट में आना। एंड एडजस्ट में आने के बाद ओवरऑल पूरे फोटो का जो आपको कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना, तो आपको कुछ इसे रखना 54-55 रखना। एंड उसके बाद सिंपल यहाँ पर डन कर देना। ओके गाइस, एंड इसके बाद आप देखो क्या करना कि आपको फिर से एक बार ये ऐड फोटो में आना। एंड आपको यहाँ से ऐड करना है कि विगनेट की पीएनजी को, तो हम सिंपल विगनेट की पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। एंड ऐड करने के बाद इस विगनेट को आप सभी को नीचे की साइड इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देना परफेक्टली अच्छे तरीके से। ओके गाइस, एंड ये विगनेट जैसे सेट हो जाएगा परफेक्ट, तो आप सिंपल फिर यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, आप यहाँ पे डन करते हुए निकल जाना। ओके गाइस, एंड अब जो टाइम है फाइनली हमारे अपने फ्रंट में जिस फोटो को हम लोग रखना चाहते हैं उस फोटो को ऐड करने का, तो हम ऐड फोटो में आते हैं एंड फ्रंट में रखने वाले फोटो को ऐड कर लेते हैं। एंड सिंपल क्या करेंगे, हम अपनी इस फोटो को परफेक्ट यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। जैसे ये परफेक्ट सेट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे देख लेते हैं। परफेक्ट हमने यहाँ पे सेट कर लिया, एंड उसके बाद इसका शैडो बनाना होगा, तो हम शैडो में आएंगे, एडजस्ट में वैसा ही छोड़ देंगे हम। एंड पोजीशन को सिर्फ हम छेड़ेंगे, तो पोजीशन में जो अप डाउन रहेगा शैडो का उसे हम 100 भी छोड़ देंगे। एंड जो लेफ्ट राइट रहेगा उसे हम सब 90 रखेंगे। ओके गाइस, ये देख लो आप सब। एंड उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्या ही करोगे, परफेक्ट पोजीशन में सेट है आपका फोटो, तो डन करके निकल जाना। ओके गाइस, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे आप कुछ पीएनजी को सेट करनी होगी, तो हम ऐड फोटो में आते हैं। यहाँ से सबसे पहले जो पीएनजी हम ऐड करेंगे वो है एक किंग का टेक्स्ट पीएनजी है एंड एक है एटीट्यूड का टेक्स्ट पीएनजी। तो आपको ये दो टेक्स्ट पीएनजी को आपको ऐड करना है। एंड ऐड करने के बाद सिंपल जो है एंड क्या करेंगे हम, यहाँ पे एटीट्यूड को अभी हम लोग साइड में रखते हैं, पहले किंग को सेट कर लेते हैं। तो सिंपल इस किंग के टेक्स्ट को हम लोग ऊपर की साइड में यहाँ पे कॉर्नर में परफेक्ट सेट कर देंगे। ओके गाइस, यानी जैसे परफेक्ट सेट हो जाएगा तो इसके बाद हम लाएंगे एटीट्यूड को, क्योंकि हमने किंग को सेट कर लिया तो एटीट्यूड लाना हमें, तो एटीट्यूड को लाएंगे। एंड उसके बाद इसका इफेक्ट में हम आएंगे ना, एंड ये जो ब्लैक है तो हम इसे यहाँ पे नेगेटिव करके कलर कर देंगे वाइट, एंड यहाँ पे डन। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल जो इस टेक्स्ट को परफेक्ट यहाँ पे नीचे की साइड में सेट कर देंगे। एंड सेट करने के बाद सिंपल हम यहाँ पे कर देंगे डन 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 डन। ओके गाइस, एंड इसके बाद क्या करना आपको कि फिर से आपको ना ऐड फोटो में आनी है। एंड ऐड फोटो में आने के बाद आपको सिंपल यहाँ से ऐड करना एक लाइट पीएनजी को, तो हम लाइट पीएनजी को ऐड करते हैं। एंड ऐड करने के बाद इस लाइट पीएनजी को आपको ना ब्लेंड मोड चेंज कर लेना होगा, तो हम सिंपल इसका स्क्रीन कर लेते हैं। एंड बैकग्राउंड वाले जो फोटो है आपको उस शोल्डर के पास आपको यहाँ पे सेट करना होगा, आप देख लो यहाँ पे आपको सेट करना होगा। एंड उसके बाद इसका ओपेसिटी आप कम कर देना, कुछ 70 रखना। एंड उसके बाद वही लाइट का आप एक डुप्लीकेट बना लेना लेयर पे आने के बाद, एंड उस डुप्लीकेट को आप सब फ्रंट वाले फोटो का शोल्डर के पास सेट कर देना। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना सेट। एंड उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, डन कर देना। ओके,
सो हम यहाँ पे डन कर देते हैं। एंड गाइस अब यहाँ पे जो आपका एडिटिंग वो कंप्लीट हो चुका, अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपने फोटो को सिंपल यहाँ पे सेव कर लेना एंड उसके बाद आप अपने इस फोटो को इंस्टा फेसबुक कहीं पर भी पोस्ट करना, बट मुझे जरूर से टैग करना #causeedits। ओके सो गाइज होपफुली आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर से करना एंड अभी आपके सामने दो और इंटरेस्टिंग वीडियो आ रही है तो आप इनमें से जाके किसी को भी देख सकते हो क्योंकि दोनों ही इंटरेस्टिंग है। और वीडियो कैसी लगी आप सब नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर ही दो यार, एक अच्छी बात होगी। ठीक है कर दो कमेंट, मिलते हैं फिर, ध्यान रखो अपना, बाय।